पटना सिटी में इन दिनों अपराधी हो गए बेखौफ। पिछले दिनों पटना सिटी संजय कला थाना क्षेत्र अंतर्गत खाखा गली में एक युवक को घर के पास दो अपराधी ने बाइक सवार गोली मार दी, जिसका मौके पर ही मौत हो गया और अपराधी आराम से निकल गए। वहीं आपको बता दें कि ताज़ा मामला अहले सुबह एक बार फिर से अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दे डाली है। अपराधियों ने आज सुबह सुबह पूजा कर रहे एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना के बारे में बताया जा रहा कि मृतक विनय कुमार तिवारी गायघाट स्थित दुर्गा मंदिर में पूजा कर रहे थे, तभी अचानक अपराधी आया और उसके सिर में गोली मार दी, जिसके बाद उसकी घटना स्थल पर मौत हो गई। हालांकि घटना की सूचना पाते ही आलमगंज थाने की पुलिस तत्काल मौके वारदात पर पहुंची, जिसके बाद मामले को जांच में पुलिस लग गई है। पुलिस आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी को खंगाल रही है। हालांकि हत्या के कारण 100 रुपए का खुदरा कराने का था, लेकिन खुदरा नहीं रहने के कारण विनय खुदरा नहीं दिया, जिसको लेकर आज अहले सुबह ही अपराधियों ने विनय तिवारी को मार डाला। विनय तिवारी पेशे से गायघाट में सुधा बूथ चलाता था। सुबह में पता चला कि घर से आंटी दरवाजा डगडगा के नीचे जाकर अंकल को देखो ना गोली लग गया है, नीचे उतर के देखे घर के पास मंदिर के पास तो देखे गोली लगा हुआ है इनको। क्या लगता कोई विवाद विवाद? आंटी तो बता रही हूँ उनके वाइफ की विवाद हुआ था कल या परसों हुआ था, 100 रुपए के चक्कर में अपराधी गोली मार गए। हाँ, क्या नाम था इनका? नाम विनय कुमार तिवारी नाम है। विनय कुमार तिवारी कहाँ रहते थे? गायघाट उतरी गली। क्या करते थे? सुधा डैडी है इनका। पिताजी को गोली लग गया, यही हम कहना चाहते हैं, जो भी मारा है उसको भी एक बार सामने से उसको इनकाउंटर होना चाहिए, नहीं तो बीच रोड पर बैठ के जो नहीं करने को वो होगा, सब तमाशा होगा, कोई नहीं रहेगा, सब मरेगा। अच्छा, ये जो मारने वाला अपराधी है वही का था, ये सब क्या पता चला आपको? हाँ, इससे पता चलता कि वही का चांद कॉलोनी का रहने वाला है, मात्र 100 रुपए के लिए मेरे पापा को। अच्छा, 100 रुपए क्या बात हुई थी? चेंज के लिए क्या चेंज करवाने आया था? 100 रुपए का नोट लेकर आया था, बोला कि चेंज कर दीजिए। पापा ज्यादा से ज्यादा 2-4 रुपए उसको खुला पैसा 1-2 का सिक्का दे दिए थे, बस उसी के लिए बोला कि 1-2 दिन में आपको बताएंगे हमारे पापा क्या किसी का भी आ रहे थे। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।